कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट खरसिया पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील की, साथ ही केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। मंगलवार को राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है, जहां राहुल गांधी लगभग 4:30 बजे खरसिया पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा लेकर भाजपा पर जमकर बरसे। राहुल ने कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए तीखा हमला किया। राहुल ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी पदों पर भर्ती का मामला उठाते हुए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार हैं, यहां 60,000 शिक्षकों की कमी है, 2,000 लेक्चररों की कमी है, 3,000 आदिवासी स्कूल बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी। आज गरीब का बेटा और बेटी स्कूलों में जाने को मोहताज है। कांग्रेस की सरकार आने पर जनता का पैसा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी में उपयोग होगा। कांग्रेस की सरकार आने पर इलाज के साथ दवाई वितरण भी मुफ्त होगा। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर भी राहुल ने मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गरीब जनता से केरोसिन छीनकर सरकार गैस का भी दाम बढ़ा रही है। सरकार 3,50,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ किया, लेकिन देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। कर्ज की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिनों के भीतर ही सरकार किसानों का सारा कर्जा माफ करेगी। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस मिलेगा। भाजपा सरकार ने जो 2 साल का बोनस किसानों को नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार उस दौरान का बोनस भी देगी और किसानों को 2,500 रुपये समर्थन मूल्य के साथ धान खरीदा जाएगा। हर जिले में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री खोली जाएगी। उस फैक्ट्री में किसानों की सब्जियां और फलों को फूड प्रोसेसिंग के लिए लिया जाएगा। उस फैक्ट्री में बेरोजगारों को रोजगार भी दिया जाएगा। वहीं पीएल पुनिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ियों से जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दे दिया गया। जमीन अधिग्रहण मामले में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर यहाँ के आदिवासियों और किसानों का हक है और सरकार बनने पर बगैर किसान और आदिवासी से पूछे उनकी जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। राहुल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सारे वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए पंजाब और कर्नाटक का उदाहरण भी दिया, जहाँ कांग्रेस ने सरकार बनाई है। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक शोषण किया है, यहाँ अपार संपदा है। बीजेपी ने 15 सालों में छत्तीसगढ़ियों से छीनकर उद्योगपतियों को दे दिया। चीट फंड कंपनी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। प्रदेश में हुए नान घोटाले का मामला भी राहुल गांधी ने उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 सालों में चोरी और भ्रष्टाचार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ जानकर भी मौन है। प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपए चीट फंड कंपनी लेकर भाग गई है। चीट फंड के चलते यहां 60 लोगों ने आत्महत्या की है। नोटबंदी पर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने गरीबों का पैसा छीन लिया। गरीबों को नरेंद्र मोदी ने बैंकों की लाइन में खड़ा करा दिया। उन्होंने कहा कि कोई बड़ा उद्योगपति और नेता लाइन में नहीं दिखे। फिर वो नंद कुमार पटेल जी और कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ता और नेताओं का छत्तीसगढ़ में आके अपमान करते हैं। शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री वो भी शर्म की बात है, मगर शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री नंद कुमार पटेल जैसे व्यक्ति का अपमान कर सकता है। 5 साल पहले नंद कुमार पटेल जी खड़े हुए थे, परिवर्तन की बात कर रहे थे और मुझे याद है, माहौल याद है मुझे, और मैं नंद कुमार पटेल जी को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो नंद कुमार पटेल खड़े नहीं हो रहे थे,
वो छत्तीसगढ़ की आवाज, छत्तीसगढ़ की जनता का दर्द। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एसीएन 20।